हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट विथ रिलेशन तो लेट्स स्टार्ट उससे पहले कुछ चीजें डिफाइन करें थे फर्स्ट इज ऑर्डर्ड पेयर इट इज लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स पेयर में टू होगा Two objects in a specific order. तो for example, a comma b एक ordered pair हो गया ऐसे b comma a एक different ordered pair हो गया कि order का मतलब क्या होगा कि जिस वे में लिखा होगा पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है या पहले बी लिखा है बाद में लिखा है ये भी मैटर करेगा एंड अलग अलग काउंट होगा ठीक है तो ऐसे अगर मान लिया हम ए बी सी ऐसे तीन लिख दें तो इसको बोल देंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट तो हमें क्या क्या समझना चाहिए कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए फिर अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो उनके फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए एंड दोनों के सेकंड एलिमेंट इक्वल होने चाहिए सो इफ ए कॉमा बी इज इक्वस टू एक्स कॉमा वाई देन वी शुड हैव ए इज इक्वस टू एक्स ठीक है दोनों के फर्स्ट एलिमेंट बराबर होने चाहिए एंड बी इज इक्वस टू वाई ये होना चाहिए चलो बहुत छोटा एग्जाम्पल देख लिया इफ थ्री एक्स माइनस वन बराबर वाई प्लस टू क्वल टू वन कॉमा सेवन देन फाइंड एक्स कॉमा वाई तो ऑफकोर्स फर्स्ट एलिमेंट को बराबर किया थ्री एक्स माइनस वन बराबर वन किया तो यहां से टू बाई थ्री एंड वाई प्लस टू को सेवन के इक्वल किया तो वाई बराबर आ जाएगा फाइव तो ये आंसर आ गया सो दिस मे सफिशियंट फॉर ऑर्डर पेयर मूव टू सेकेंड पॉइंट

इज ए सेट डोटेड एज ए क्रॉस बी माने अगर टू सेट्स चलो ए एंड बी इज ए सेट डिनोटेड एज ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज फॉलोज तो अगर मैंने ए क्रॉस बी को डिफाइन करना है तो उसको हम ऐसे डिफाइन करना है ए कॉमा बी ये ठीक है वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी ये ठीक है तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक तरीका हो गया कि ए क्रॉस बी के अंदर इस तरह के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए कॉमा बी ये ठीक है जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो कैपिटल ए सेट से लिया जाएगा अगर ए क्रॉस बी में ये कैपिटल ए पहला है तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा बी से आएगा तो ऐसे जितने भी हम पेयर बना सकते हैं सब पेयर बना दिए उनका मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर बना लिए और उनका जो कलेक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मतलब ए क्रॉस बी। तो एग्जांपल के लिए लिख लिया मान लिया ए जो है उसके अंदर दो एलिमेंट है वन एंड टू और बी के अंदर मान लिया ए बी सी तीन एलिमेंट तो जो ए क्रॉस बी होगा उसमें हमने क्या बोला कि ऑर्डर्ड पेयर बनाया ठीक है और पहला एलिमेंट यहाँ से ए की तरफ से आएगा तो पहले एलिमेंट को हमने वन फिक्स किया फिर बी के जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हैं वो दूसरे की जगह पे लिख दिए पारी पारी से तो बी की जगह सॉरी दूसरे एलिमेंट की जगह बी का पहला एलिमेंट ए लिखा फिर वन को तो ऐसे रखा बी लिखा फिर वन को ऐसे रखा सी लिखा तो ऐसा करने से अब बी के तीनों एलिमेंट यूज़ हो गए वन के साथ अब यही चीज फिर हमने ए के दूसरे एलिमेंट पे आ गए टू पे तो टू कॉमा ए टू कॉमा बी एंड टू कॉमा सी ये हो गया कंप्लीट लिस्टिंग तो यही ए क्रॉस बी हो गया अगर मैं बोलूँ बी क्रॉस ए क्या होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा पहला एलिमेंट फिर बी से आएगा तो बारी बारी से पहले मान a ए आया ठीक है तो ए के साथ वन ए के साथ टू तो फिर ऐसे बी आया है तो बी के साथ वन बी के साथ टू फिर सी आया सी के साथ वन एंड लास्ट में सी के साथ टू ये ऑर्डर्ड पेयर टोटल पॉसिबल हैं बी ए में ठीक है नाउ यू विल सी के ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम आएगा जैसे ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे गिना जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है और b क्रॉस a में भी पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तो दोनों के अंदर सिक्स एलिमेंट्स हैं ये ठीक है बट a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं है मतलब इन जनरल बाई चांस बराबर हो सकते हैं a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्योंकि a क्रॉस b के अंदर जो एलिमेंट है दो सेट a क्रॉस b भी एक सेट ही है पहली बात तो और दो सेट को बराबर कब बोलते हैं जब उनके सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हों ठीक है तो यहाँ पे तो जैसे 1 क्रॉस 1, a ये ऑर्डर्ड पेयर है तो यहाँ तो कहीं है ही नहीं a, 1 और 1, a बराबर तो नहीं होता है ये ठीक है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a इन जनरल बराबर नहीं दूसरी चीज चलो ये तो हो गया हमारा नोट वन नोट टू क्या हो गया जैसे इसके अंदर दो एलिमेंट थे इसके अंदर तीन एलिमेंट थे तो टोटल तो कितने एलिमेंट आए सिक्स दैट इज नथिंग बट 2 क्रॉस 3 तो 2 3 तो वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में बराबरी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने का मतलब ये नहीं कि सेट बराबर है तो किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे लिख सकते हैं तो ए क्रॉस बी एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इस वाले केस में छ है वो सिक्स है तो सिक्स कैसे आया टू इन टू थ्री तो टू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड दिस विल ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस a तो यहां पे मैं क्या बताया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस a दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होगा और किसके बराबर होगा वो होगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो यहां पे टू इंटू थ्री सिक्स हो गया इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज वाइड सेट देन ए क्रॉस बी विल बी फाई मतलब ए और बी में से अगर कोई भी एक नल सेट हो जाए तो ए क्रॉस बी तो ऑफकोर्स नल सेट हो ही जाएगा क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा फिर ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट ही नहीं आएगा कोई ये ठीक है तो अगर ए और बी में से कम से कम एक नल सेट है मतलब या तो दोनों नल सेट हैं या ए नल सेट है बी नल सेट नहीं है या उल्टा हो गया बी नल सेट है ए नल सेट उस वाले केस में ए क्रॉस बी क्या होगा नल सेट होगा ओके तो एक क्रॉस भी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग गया लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट एंड दैट इज अब हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ठीक है रिलेशन आर डिफाइंड From a non empty set, Capital A, to non empty set, Capital B is a subset of A cross B is a subset of A cross B. ओके सो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऐसे लिख सकते हैं अब ए क्रॉस बी के कोई भी एक सबसेट होगा तो उसमें हम कोई रूल डिफाइन करेंगे कि आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को रखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक एलिमेंट ए कॉमा बी जो है ये ठीक है ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो मान लिया एक एलिमेंट ए कॉमर बी आर के अंदर है ये ठीक है तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर बी ठीक है या फिर ए कॉमर बी बिलोंग्स टू आर ये दोनों एक ही बातें ये ठीक है ए आर बी लिखने का मतलब क्या है कि जो रिलेशन आर है वो एलिमेंट ए को एलिमेंट बी से रिलेट कर रहा है और उसके करोसपणी हम कोई रूल डिफाइन कर देंगे ठीक है तो अभी इस पे क्लैरिटी आएगी जब हम क्वेश्चन नवी सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम क्या क्या बोल सकते हैं कि हां डोमेन को डोमेन की बात कर लेते हैं चलो नोट फर्स्ट इन अबव केस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स Of ordered pair in R is called domain of R or Note to set of all. Second elements in ordered pair in R is called Range of R and Note Three Set B is called code domain.